अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के अलग शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार चल रहा है। जगत पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं है, ये मांडुक्य कारिका की उद्घोष है। क्यों नहीं है उसके लिए सपनों दृष्टांत हेतु देकर के सापनिक वस्तु के समान सारा वस्तु में जागृत वस्तु में ऐसे ही है जैसे सापनिक वस्तु। तो यदि ऐसा ही है तो दिखाई कैसे पड़ते हैं? तो दृष्टांत को लेकर के अलात को दृष्टांत दिए थे, जिसमें वास्तविक कोई आकार नहीं है, थोड़ा गति के कारण होता है, आकार की प्रतीति होती है, परंतु अलात में तो गति होना संभव है, परिच्छिन्न वस्तु है और शुद्ध आत्मा तो व्यापक है, वहाँ पर गति होना संभव नहीं है, वहाँ पर कैसे दिखाई देगा? बोलते वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है, प्रतिफलित होने के बाद जैसे प्रतिफलित सूर्य अथवा चंद्रमा जल की हिलने डुलने के कारण वहाँ पे जो है वो बिंब सूर्य हिलना डुलना जैसा प्रतीति होता है, ऐसे यहाँ भी होता है। इस प्रकार से संसार की प्रतीति मात्र होती है। ये कथन करने के बाद आप जो पहले कथन करके आए थे है ना, जिस वस्तु को हम बोलते हैं वो शब्दों की तरह प्रतिपादित तो नहीं है। कल हम लोगों ने 60 तक पढ़ लिए थे, न अजीशु सर्वधर्मेशु शाश्वता शाश्वता भिदा, है ना, कि समस्त जीव जो भी दिखाई दे रहा धर्म वो जो है वो नित्य है कि अनित्य, इस प्रकार से कथन नहीं किया जा सकता। क्यों? उस वस्तु के बारे हम कथन कर सकते हैं जिसको शब्द शक्ति वृत्ति से कुछ समझा सकते हैं, उस वस्तु के बारे में को प्रकाश करने के लिए हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं जिसमें शक्ति वृत्ति से कुछ अर्थ पहुँचता है, परंतु ब्रह्मात्मा मेरा स्वरूप एक ऐसा तत्व है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो उसको शक्ति वृत्ति से समझा सके। लक्षणा वृत्ति से तो समझाते हैं परंतु सीधा सीधा तो नहीं समझा जा सकता। इसीलिए वर्णा यत्र न वर्तन्ते, जिस विषय में कोई भी वर्ण वर्णन्ते इति वर्ण, जिसको शब्द जिसको वर्णन नहीं कर सकते वो जो है, इसलिए उस विषय में कोई विवेक होना संभव नहीं है। नित्य है कि अनित्य है, जन्म वाला है कि नहीं जन्म वाला है, ये कुछ भी हम नहीं कह सकते, कुछ भी हम नहीं कह सकते। 60 तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, अब 61 से शुरू हो, है ना, 61 और 62 एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाष्य दोनों का एक ही साथ है। तो यहाँ पे बोले थे कि देखो, जब तुम बोलते हो कि शब्दों के द्वारा नहीं बोला जाता है, तो उपनिषद में भी ऐसे ही बोलते था, तो उपनिषद हम पुरुष हम परिच्छाम, तो वो तो शब्द के द्वारा उपनिषद में कहे गए हैं, जिस पुरुष को उसी के बारे में पूछा, तो जो शब्द के बाहर है और उपनिषद में कहा गया, दोनों तुम्हारे विरुद्ध कथन नहीं हो रहे, ऐसा कैसे बोल रहे हो? यदि तुम्हारा भी ये कथन सही नहीं है, ऐसा कहने के लिए देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे आनंद गिरि जी उपदगा दे रहे हैं, आत्मन शब्द अगोचरते, आत्मा जब शब्द के विषय नहीं बनता, शक्ति वृद्धि से हम आत्मा को प्रतिपादन नहीं कर, कथमशो व्याख्या त्रिभी शब्द प्रतिपाद्यता, वो व्याख्यात्रि के द्वारा व्याख्या करने वाले का शब्द के द्वारा ही उसको समझाने का क्यों कोशिश करते हैं? प्रतिपद्यतम आचरति, है ना, वो प्रतिपादन करने के लिए आचरण करते हैं। यदि आशंक के ऐसा कोई शंका करते हैं तो उसके में बोलते हैं, देखो ये जो तुम सोच रहे हो ना कि शब्द विषय को प्रतिपादन करता है, ये भी तुम्हारे एक चित्त स्पंदन है। हमने कब कहा कि शब्द जो है आत्मा को प्रतिपादन करते हैं? ये हमने कभी नहीं कहा। ठीक है, उपनिषद में ऐसा आया हुआ है, तो उपनिषद हम पुरुष हम पिछा भी, परंतु उपनिषद द्वारा प्रतिपादन वो नहीं है। तो उपनिषद क्या करते हैं, जो हमने अपने ऊपर आरोप कर रखा उसको केवल हटाने में मदद करते हैं, उसको केवल हटाने में मदद करते हैं, आत्मा को प्रतिपादन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो इतना व्याख्यान क्यों करते हैं? व्याख्यान इसलिए करते हैं कि जो हम तुमने अपने ऊपर आरोप कर रखा है वो अपने ऊपर से हटा। किसी व्यक्ति ने हनुमान जी का ध्यान करते हैं, उसके ऊपर हनुमान जी आवेशित हो गया, लोग सोच रहे हैं कि अरे वो तो गया, परंतु आवेशित हुआ कुछ हुआ, परंतु जैसे कुछ डॉक्टर डॉक्टर दिखाया अथवा कुछ ये हुआ तो फिर आवेश चला गया, व्यक्ति तो वही देवदत्त ही रह गया ना, कुछ दिन कुछ चिंतन के फलस्वरूप उसके अंदर। ठीक इसी प्रकार हमने अज्ञान से अपने ऊपर जो जीवत्व से लेकर के मनुष्यत्व से लेकर के जितना भी आरोप कर रखा है केवल उसको हटाने की प्रक्रिया साथ में, आत्मा के बारे में कुछ कथन नहीं कर सकते। जितना दिखाई दे जाए उसमें वो इसमें नहीं है इतना हम कह सकते हैं, बाकी और किसी भी प्रकार से प्रतिपादन करना संभव ही नहीं है। इसीलिए हमें बोलते हैं आत्मन शब्द अगोचरते कथम अशु व्याख्या, तो शब्द ही प्रतिपद्यता आचरति, प्रतिपादन करने के आचरण का आशंक चित्त स्पंदन मात्र, है ना, वो भी तुम्हारा चित्त का स्पंदन है, मन में ऐसा बैठा रखा, क्योंकि हमारा अभ्यास है कि वस्तु को प्रतिपादन करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, इसीलिए कोई हमारे मन में बैठा हुआ वो चित्त का स्पंदन ही हमारे मन में ऐसा भावना बैठा दिया कि उपनिषद जो है वेदांत मत आत्मा को प्रतिपादन करते हैं, उपनिषद आत्मा को प्रतिपादन नहीं करते हैं।
आत्म प्राप्ति में जो प्रतिबंधक को हमने आरोप कर रखा उसको मिटा दिया, इतने को मिटा दिया। फिर बोलते हैं इसलिए अविचार सुंदरम सुंदरम प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपम द्वैतम इति, ये भी द्वैत हो गया ना, यदि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रहेगा, शब्द हो गया प्रतिपादक और आत्मा हो गया प्रतिपाद्य, ये जो यदि हम ऐसा मान लिया तब तो हमारे सिद्धांत ही हानि होगी, सिद्धांत ही हानि होगी। इसलिए अभी बोलते हैं कि ये तो अविचार सुंदर मतलब विचार नहीं कहते हुए इसको मान्यता देना अच्छा लगता है, हम उपनिषद पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और ये जो आत्मतत्व को प्रकाश करते हैं ठीक से विचार नहीं करके हम इसको कहें अच्छा लगता है, परंतु ठीक से विचार करके आप देखेंगे कि यहाँ पे तो केवल मात्र जितना हमने आरोप कर रखा अपने ऊपर उस आरोपित वस्तु को निषेध करते हैं, फिर जो बचते हैं बचते हैं, वो क्या है वो नहीं खत्म होता। इसलिए बोलते हैं अविचार सुंदर प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपम दैतम, प्रतिपाद्य हो गया आपका शब्द और प्रतिपादक हो गया शब्द और आत्मा हो गया प्रतिपाद्य, स्वरूप हो गया प्रतिपाद्य। इति दृष्टान्त के साथ क्या है स्वदृष्टान्त दृष्टान्त सह दृष्टान्त के साथ इसको यहाँ पे कहते हैं। अब श्लोक में आ जाइए 61 और 62 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। यथा स्वप्ने द्वयाभासं यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया चित्तं चलति मायया तथा जाग्रद्वयाभासं तदा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया चित्तं चलति मायया यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया अद्वयं च द्वयाभासं अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्नेन संशयः चित्तं स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः तथा जाग्रन्न संशयः अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः। बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे स्वप्न अवस्था में द्वैत का जो आभास होता है ना, द्वयाभास मतलब द्वैत का जो आभास है, चित्तम एक चित्त ही दोनों भाग को बनता है, माया या चलती चित्त माया से मतलब इसमें क्या सारा भाव चित्त ही बना लेते हैं, जो हम भारी वस्तु देख रहे हैं और उसको जो है देख करके आनंद की अनुभूति वो भी चित्त ही बना लेते हैं। इसलिए बोलते हैं यथा स्वप्ने द्वयाभास जैसे स्वप्न में द्वैतों का आभास चित्तम चलती माया, वहाँ पे क्या है उस विषय में तो किसी बात की कोई शंका, एक चित्त ही अकेला ही ये सारा चित्त इसको बना, चित्त समझ लेना कि जड़ चित्त ने मतलब चेतन के साथ मिलकर के चित्त चित्त और विषय मिलकर के चित्त तकर जो अलग है वो विषय को बोलता है चित्त हो गया चेतन, तो दोनों मिलकर वही जो है वह आपको द्वैत रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे स्वप्न में है ना तथा जागृत द्वयाभासम जागृत काल में जो द्वैत का आभास है चित्तम चलती माया, ये चित्त ही जो है माया से मतलब ये जो वाइब्रेट करके चलते तो गति होकर के उसमें क्या वस्तु दिखाई दे रहा है, विषय आपने गति होकर के उसमें वस्तु दिखाई देने। 4 नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं देखिए, द्वयाभासमिति प्रतिपाद्य प्रतिपादकयोर द्वयोर आभास जत्र है ना, यहाँ पे प्रतिपाद्य और प्रतिपादक इन दोनों का आभास जिस अवस्था में होता है ना, द्वयोर आभास जत्र है ना, जत्र जत्र वर्णा न वर्णन्ति कैसे हो रहा है जिसको वर्णन नहीं कर सकता, जत्र इति क्रिया विशेषण मतलब जिस पर ये वर्णन्ते, तो यत्र वर्णन्ते मतलब जिस प्रकार से इसका वर्णन होता है ना उसके लिए कोई वर्ण हमारे पास नहीं है, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, जैसे ये मॉडिफाइंग द वर्ब वर्ब है यहाँ पे वर्तन्ते तो उसको मॉडिफाई कर यत्र मतलब जिस प्रकार से इसका वर्णन नहीं हो सकता मतलब वही यहाँ पे समझना चाहिए, बाकी तो वर्णन कैसे हो सकता हम समझते हैं। इसलिए बोलते हैं क्रिया भी प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैताकारेण प्रतिभानम यथा सैत तथा चित्तम मन, ठीक है ना, ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक आपके जो जैसे हो सकता है वो समझ लेना, मतलब कैसे हो उसका डिफाइन नहीं कर सकते
चित्त है परंतु कैसे दो क्या अनंत भाग में चित्त विभाजित हो रहा है और कैसे हो रहा है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए आप बोलते हैं कि प्रतिपाद्य प्रतिपाद कयो द्वयोर आभास, इन दोनों का आभास जहाँ पे दिखाई पड़ता है जत्र इति एक क्रिया भीषण के रूप में, क्रिया वहाँ पे वर्त्यन्ते उसका भीषित कर रहा है जत्र है ना, वर्ण जत्र न वर्ण मतलब जिस जगह पे कोई प्रकार किसी प्रकार का वर्ण का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए बोलते हैं क्रिया भीषण प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैत आकार है ना। द्वैत आकार क्या है, एक प्रतिपाद्य एक हो गया प्रतिपादक, फिर भी कोई विषय हम देखते हैं अचित उसको प्रतिपादन कर देते हैं, जो विषय हो गया मतलब जो विषय है वो हो गया आपके पास प्रकाश और चित्त हो गया प्रकाशक, किसी प्रकार ऐसे जो है कि दो भाग में विभाजन हो जाता है द्वैताकरण प्रतिमान यथाशा जैसे वो होना संभव है तथा चित्तम, उसी प्रकार से जो चित्त मतलब मन इस भाग में दो भाग में विभाजित हो जाता है, मतलब कैसे होता है ये अनिर्वचनीय है, ये हम समझते कि मन ही जो है एक शुद्ध चेतन ही और मतलब वो जो है चित्त एक जैसा रील जैसा है पीछे से प्रकाश आता है तो दीवार में दिखाई पड़ता है ऐसे, पर वहाँ पर तो ऐसा तीन भाग अलग अलग नहीं है अकेला ही है, सामान्य व्यवहार में जैसा दिखाई पड़ता है एक प्रोजेक्टर है उसे लाइट है अपना स्क्रीन है तो ठीक है आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पर तो ऐसा ही नहीं, इसलिए कैसा होता है इसको वर्णन नहीं किया जाता है, तो होता है कुछ तरह कुछ इस प्रकार के। तो यहाँ पे बोल रहे हैं चार नंबर, और माया चलेती अविद्वया स्पंदते परिणमते इति अर्थ, अज्ञान के कारण ही वहाँ पे स्पंदन होता है मतलब परिणत होता है, अज्ञान से परिणत हुआ जैसे कौन चित्त के चित्त वासना रूप में परिणत संस्कार रूप में दिखाई पड़ते हैं वो, इसलिए स्वप्निक वस्तु दिखाई पड़ते हैं। माया चलती अविद्वया स्पंदते परिणमते इति अर्थ, अज्ञान से बोल रहे वहाँ पे स्पंदन हो रहा है जैसा, जिस प्रकार छोटा बच्चा जल में प्रतिबिंब को देख कर क्या बोलते हैं देखो सूर्य हिल रहा है, सूर्य हिल रहा है, ठीक ऐसा ही यहाँ चित्त के प्रतिफलन मतलब हिलना डुलना को आत्मा में आरोप करते हैं तभी वो द्वैत को दिखाई पड़ता है, अनेक हो जाता है सूर्य अनेक हो रहा है जैसे इधर एक हिल है जल तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसे यहाँ पे समझना चाहिए। तो फिर तथा ठीक उसी प्रकार से जैसा जागृत में है स्वप्न में ऐसे जागृत द्वयाभासम, जागृत काल में जो द्वैत का आभास है वो भी हमारा मन ही है, माइंड ही उसको जो है मतलब विषय के कारण मन में चित्त में विक्षेप उठता है वो द्वैत दिखने लगता है, विषय वासना के कारण जन्मांतर संस्कार से विषय वासना के कारण मन में जो है कुछ वृत्ति उठती है इससे द्वैत दिखाई पड़ता है, ये अभिप्राय है समझे। आगे और बोलते हैं अद्वयम च द्वयाभासम चित्तम स्वप्न न संशय, इस विषय में स्वप्न में एक चित्त ही दो भाग में विभाजन, इस विषय में किसी का कोई शंका नहीं है, अद्वयम च द्वयाभासम भेद रहित होते हुए भी द्वैत का आभास वहाँ पे दिखाई पड़ता है, क्यों चित्तम अद्वयम द्वयाभासम च, एक ही चित्त भेद रहित भी है और उसमें द्वैत का आभास भी होते हैं, जैसे स्वप्न में स्वप्न अवस्था में न संशय, इस विषय में किसी का कोई संशय नहीं है, ठीक इसी प्रकार से अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागृत न संशय, जागृत काल में भी ऐसे ही हो रहे हैं। ये दोनों श्लोक जो है तृतीय अध्याय में 29 और 30वां श्लोक है, तृतीय अद्वैत प्रकरण 29 और 30वां श्लोक, वहाँ पे सब जगत के मिथ्यात्व को प्रतिपादन करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे इन उन्हीं श्लोक को यहाँ पे क्योंकि पहले बोल कर गया शाश्वत उसके लिए भी कथन नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पे प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव का निषेध कर दिया, इसलिए उस श्लोक को दोहरा दिया, उस श्लोक को दोहरा दिया। यहाँ पे इस पन्ने में देखिए एक नंबर दो नंबर टिप्पणी में 62 नंबर श्लोक में वहाँ पे भी दो टिप्पणी दिखाई पड़ती है, अद्वयम च दयाभाषम तथा जागृत न संशय, अद्वयम अधिष्ठान स्वरूपतया एकम, ठीक है ना, एक अधिष्ठान यहाँ तो कुछ है ना एकम स्वप्न चलती इति अनुवर्तते, बस ये स्वप्न काल में एक चित्त ही है, स्वप्न काल में कत कितना रूप धारण कर रहे कहाँ कहाँ चला जाता है, ठीक इसी प्रकार से वही चित्त भूमि के संस्कार जो है जागृत काल में भी अपने में कई आत्मा में कई भिन्नता करके दिखा देते हैं, जिस प्रकार जैसे स्वप्न में इसलिए बोलते हैं अधिष्ठान स्वरूपतया एकम स्वप्ने, तो एक होते हुए भी एक अधिष्ठान एक ही है, स्वप्न काल में चलती वो जो है घूम घूमता रहता है कि अनुवर्तते, ये जो है वहाँ पे जो चलती सब इस महीने 61 में आया है चलती, इसको यहाँ भी समझ लगा करके अनुवर्तते इसको दोबारा यहाँ पे ला करके अर्थ करना पड़ेगा, इति तदर्थ इसलिए आगे बोलते हैं अध्ययन से दया भाष्य तथा जागृत, जागृत के न संशय, न संशय को बोलते हैं वादी प्रतिवादिनो हो उभयोरपि सम्मत एतत्, कभी भी आपको दृष्टांत तो देना पड़ेगा, दृष्टांत तो उभयवद सम्मत होना चाहिए न तो समझेगा ही नहीं, किसी भी जगह पे अनुमान के माध्यम से यदि आप कोई वस्तु को समझाना चाहते हैं तो क्या होगा आपको उभयवद सम्मत दृष्टांत तो देना पड़ेगा, स्वप्नों को लेकर के किसी का कोई विवाद नहीं है,
सभी वादी इसको मानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वादी प्रतिवादी एक मतलब सिद्धांत और पूर्व पक्ष, प्रतिवादी पूर्व पक्ष में सिद्धांत वादी उभयोर अपनी दोनों पक्ष में सहमत है, मतलब दोनों वादी इसको मानते हैं कि स्वप्नों को मिथ्या को लेकर के किसी वादी का कोई विवाद नहीं है, संशय नहीं है। इसके ऊपर अधिक कुछ नहीं लिख रहे, देखिए टीकाकार लिखते हैं स्वप्ने, तो ये ध्यान रखना कि पहले में जो मतलब अद्वैत प्रकरण में 29 या 30वां श्लोक में वहाँ पे स्वप्नों की तरह जागृत भी मिथ्या है उसको प्रतिपादन करने के लिए श्लोक दिया गया था, और यहाँ पे ये जो है इन मतलब ये शब्द और वस्तु इनमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव नहीं है, इसको प्रतिपादन कर रहे हैं क्यों, वो 60 किसे इसका कंटिन्यूशन आ रहा है। 60 में क्या बोला था, इसको शब्दों के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता। हमने कब कहा कि शब्दों के द्वारा आत्मा को प्रतिपादन किया जाए, हम तो यही कह रहे इसके लिए कोई शब्द प्रयोग होता ही नहीं है, तुमने गलत समझा, इसलिए श्लोक को बोला। समझ में दोनों में मतलब तृतीय प्रकरण में अद्वैत प्रकरण में यही श्लोक आया था, उसका भी प्रेत अर्थ था कि जागृत की तरह सपने की तरह जागृत भी मिथ्या ही है, क्यों एक चित्त का ही प्रकाश है। तो यहाँ भी उसी श्लोक को इसलिए दोहरा रहे हैं, यहाँ भी शंका हुई कि जो है सभी तो आप बोलते हो कि उसके लिए शब्दों के तरह इसको प्रतिपादन करते हो, तो हम कब कहा इसको शब्दों के तरह प्रतिपादन करते, हम तो ये कहते हैं शब्दों के द्वारा इसका प्रतिबंधक को मिटाने का कोशिश करते हैं। इससे जैसे कोई व्यक्ति के अंदर बालक के अंदर अच्छा गुण है, तो मान लो किसी निमित्त से लेकर के वो सिगरेट पीना शराब पीना सीख लिया, ठीक है ना, उसके माँ बाप क्या करते हैं उसको बुला करके समझाते हैं, समझाने से क्या होता है वो जो ऊपर से आरोप कर रहा था वो जाता है, वो जो देवदत्त नामक व्यक्ति था वो कि बदल जाता है, कोई नया भी उत्पन्न होता है कि कुछ नहीं होता, वो व्यक्ति वही रहता है, केवल जो अपने से आरोप कहा किया था वो समझाने से चला जाता है, केवल श्रुति का इतना ही मतलब था, श्रुति का इतना ही मतलब। इसलिए आप ये बोलते हैं स्वप्ने, टीका में देखिए स्वप्ने प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैतस्य, स्वप्न में क्या दिखाई पड़ते हैं, एक प्रतिपाद्य हो गया हमारा विषय और प्रतिपादन करने वाला हो गया चित्त, पर वो चित्त भी जो इसको देख रहा है वो भी चित्त है, जिसको देख रहा है वो भी चित्त ही है। इसलिए आप बोलते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैतस्य चित्त स्पंदित मात्र चित्त स्पंद होने पर भी जागृत कथम तथा से जागृत में कैसे हो जाएगा, स्वप्न में तो समझ में आता है कैसे हो सकता है, आसन कहा हो तब बोलते अध्ययन चित दय भाषण, ये आपको निश्चय हो गया कि जो है भेद रहित चित्त ही द्वैत रूप में प्रतीत होते हैं, कितना समझ में आया स्वप्न से। हाँ अश्रुति क्या बोलते हैं सदैव स्वमेदम एकमेव अतीतम, यानी कि भेद रहित चित्त ही चैतन्य ही अनेक रूप में दिखाई, प्रतिपादन किया। इसलिए आप बोलते हैं जैसे स्वप्न में आया ऐसे यहाँ पे समझ रहा है प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैतस्य चित्त स्पंदित मात्रत्यपि जागृत कथम तथा सह, स्वप्न में तो ठीक है समझ मान लेता जागृत में कैसे हो सकता है, ऐसे शंका करने पर बोलते अद्वयम चित्तम चित्त इस विषय में आप निश्चित हो क्या, जो द्वैत का आभास दिखाई पड़ता है अकेला चित्त ही है, ठीक इसी प्रकार श्रुति कहते हैं एक जो है सजातीय विजय सगत भेद से रहित है वही तत्व जो है अपने अज्ञान के कारण वहाँ पे जो है अनेक रूप में दिखे चित्त स्पंदन मतलब वासना के कारण अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं, यह विकृत अर्थ अत्य अच्छा। अब देखिए कि आगे टीकाकार और बोलते हैं जत पौनरोक्तियम श्लोकयोर आशंक आशंक शंकांतर निराशत्वात् मयि गमेति मन्वानुसम आह, पौनरोक्त मतलब पुनरुक्ति की भाव, पुनरुक्ति के जो भाव है श्लोक है, और इन दोनों श्लोक में कौन दोनों, ये 61 और 62 ये तृतीय अद्वैत प्रकरण में 29 और 30वां श्लोक है, तो एक ही श्लोक तो यहाँ पे बोला गया है, तो बोलते नहीं एक ही श्लोक बोला तो गया है परंतु यहाँ पे अभिप्राय भिन्न है, इसलिए बोलते हैं पुनरुक्तम श्लोक और आशंक मतलब इन दोनों श्लोक में तो पुनरुक्ति दोष आया, क्या बोलते हैं वो शंका शंकांतर नहीं नहीं एक दूसरा शंका को निराकरण कर शंकांतर निराशार्थत्व दूसरी शंका को निराकरण करने के लिए होने के कारण शंकांत शंकांतर निराशार्थत्व एक अन्य शंका को निराकरण करने के लिए इस दोनों श्लोक को दोबारा पढ़ दिए गौरपादाचार्य मैं यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है, वेदांत में तो ऐसे भी पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है, परंतु मान लो को कारिका कर यहाँ पे एक भी शब्द पुनरुक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया, जिसे जैसे शंका अपने अंदर उत्पन्न हो रहा है उसे भाष्यकार ही दिखा देगा, पूरा मांडू को कारिका में यही काम किया भाष्यकार ने, जो कारिकाकार ने एक के बाद दूसरे श्लोक को क्यों लिखा कौन से शंका को निराकरण करने के लिए वो भाष्यकार उठा कर देखा, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्त श्लोक है आशंक शंकांत निराशा तथा मय बमेति मन मन वैसे मन में रखते हुए सन होते हुए आह सन जत भाष्य में, अब यहाँ पे चार नंबर टिप्पणी भी दिखाई पड़ते हैं शंकांत, ठीक है ना, वही पे है ना
कितना नंबर है वो? पांच नंबर। शंकर से पांच नंबर। शंकर मतलब जन्मादि शंका भिन्न प्रतिपाद्यत्वादि शंका। पहले तो क्या था, जन्म होना संभव है कि नहीं इसको लेकर के, और यहाँ पे जो है प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव है कि नहीं, इस शंका को निराकरण करने के लिए इस श्लोक को पढ़ा। ये दोनों शंका, जन्मादि शंका भिन्न, जन्मादि शंका से भिन्न एक शंका है। क्या है शंका? प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव शंका, उसको यहाँ पे निराकरण किया गया है। इतिहास इसका विक्रय कर। अब आ जाइए भाष्य में। जत पुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थक अद्वयस्य विज्ञान मात्रस्य तन मनस स्पंदन मात्रम न परमार्थते इति उक्तार्थो श्लोको। ये जो आपने सोचा जत पुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थक अद्वयस्य, क्योंकि आपने बोला, क्या बोला, कि उपनिषद के शब्द राशि तो उपनिषद है और उसी के द्वारा आत्मा को प्रतिपादन करता है, इसीलिए जो अद्वैत तत्व है वो वाणी के द्वारा प्रतिपाद्य है। बात गोचरत्न वाणी के द्वारा प्रतिपादन करने जो है परमार्थ अद्वय से, पारमार्थिक जो अद्वैत तत्व है, भेदरहित तत्व है, उसको वाणी के द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है। विज्ञान मात्र से, जो विज्ञान मात्र उसका तन मनुष्य स्पंदन मात्र, ये जो सोच रहे हो ना, ये तुम्हारी, ये भी एक तुम्हारे मन का स्पंदन है, मतलब जन्मांतरीय संस्कार, ये भी तुम्हारा जन्मांतरीय दृढ़ संस्कार उनकी सोचने मजबूर। मनुष्य यहाँ पे मतलब ये देखिए, जब षष्ठी आ रहा है ना, उसके बाद विभक्ति परिवर्तन है। जब पुनः बाघ गोचरत्न में हो गया धर्म, ये कहाँ बैठा है? परमार्थ तो षष्ठी, अद्वय षष्ठी, विज्ञान मात्र, यहाँ पे धर्म बैठा है ना, वो भैया तन, वो जो है ये जो तुम बैठा रहे हो, तन मनुष्य स्पंदन मात्र, वो एक मानसिक स्पंदन मात्र है, चित्त के विकार मात्र, जन्मांतरिक संस्कार मात्र है, न परमार्थ। तो पारमार्थिक तो हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि उस आत्मा को प्रतिपादन करने का शब्द प्रयोग किया जा सकता, हमने कभी नहीं कहा न परमार्थ देती। और बाकी श्लोक का जो सामान्य शब्द अर्थ है, ये पहले कथन कर कहा है, इसे दोबारा कथन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ भी इतना ही मात्र है कि अभिप्रेत अर्थ इसका भिन्न है। वहाँ पे तो है जन्म होना संभव है कि नहीं है, क्योंकि साफ साफ अपने का मिथ्या है, वहाँ पे ये निराकरण करके यहाँ पे क्या किया, ये शब्द और विषय, क्योंकि शब्द के द्वारा इस उपनिषद पूरा शब्द राशि है, शब्द के द्वारा आत्मतत्व को प्रतिपादन किया गया, ऐसा शंका उठने पर, और वो कोई कहते हैं तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुम उपनिषद में कहा गया है जिस पुरुष उसको पूछता हूँ, याज्ञवल्क्य ऋषि शाकल ऋषि ही पूछा, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तम के नाम भी बोलता था व्यक्ति, यदि इसको नहीं बोल पाओगे तो मन बोलता गिर जाएगा। वह भी ऐसा ही वहाँ विधारण उपनिषद अर्थ है कि नवम ब्रह्म, तो यहाँ पे जो है उसको मन में रखते बोलते हैं, परंतु श्रुति यहाँ पे उस तत्व को प्रतिपादन करने के लिए, उस तत्व को समझने में हमारे अंदर जो प्रतिबंधक बैठा हुआ उसको मिटाने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन नंबर और चार नंबर टिप्पणी भाष्य के ऊपर है, भाष्य को बोलते हैं तीन नंबर टिप्पणी बोलते हैं बाप गोचरत्व मतलब शब्द प्रतिपाद्यतम, कौन ये आत्मा शब्द के द्वारा प्रतिपादन करने जो कही जो तुमने सोचा, किसका विज्ञान मतलब प्रतिपाद्यत्वादि अस्पष्ट, जिसको प्रतिपादन होने जो गुरु की धर्म जिसके अंदर अस्पष्ट है, सर्वत असंग ही अयम पुरुष, तो तुमने नहीं समझा इसको, देखो तुम इधर बोलते हैं तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उधर श्रुति एक ही श्रुति उसी में आगे आके बोलते हैं असंग ही अयम पुरुष, कोई उसको छू नहीं, शब्द शब्द कैसे छुएगा उसको, असंग ही अयम पुरुष, इसलिए प्रतिपाद्यत्वादि अस्पृष्ट विज्ञान मात्र का अर्थ क्या कर दिया, जिसमें प्रतिपाद्यत्व धर्म से जो स्पृष्ट नहीं है, प्रतिपाद्यत्व धर्म से जो स्पृष्ट नहीं, मतलब जिसको शब्द के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, ये हो गया विज्ञान मात्र, इसलिए मात्र शब्द प्रयोग किया, केवल बोध मात्र है, प्रतिपादन करने योग्य नहीं है विज्ञान। आप खुद देखना इसको सामान्य बात है, आप किसी जगह पे गए, एक अच्छा जो आपको अच्छा लगता है या वस्तु देखा आपके अंदर खुशी उसका अनुभव मिला, आपको कोई पूछते हैं वहाँ जाके क्या देखा, आपने बोले कि पहाड़ देखा, हिमालय नदी देखा, सूर्य देखा, कैसे लगा, अच्छा, अब वो अच्छा क्या है वो दूसरे को आप कैसे समझाओगे, आपके अंदर वो अच्छे की अनुभूति को आप किसी को शब्द को समझा सकते हैं क्या, बोल क्या वो कुछ शब्द प्रयोग करने का कोशिश करेंगे, पर तो अपने आप ही जानते हैं वो नहीं हो सकता, कब उसको समझ में आएगा, जब उस जगह पे जाके पहुँचेगा और उसी प्रकार की मानसिकता होगी तब जाकर को समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जब खुद आत्मा तक पहुँचेगा और विवेक वगैरह के साथ पहुँचेगा तब उसको समझ में आएगा इसमें क्या होता है, उसके पहले क्या समझ में आएगा, शब्द प्रतिबद्ध तो ये है नहीं,
इसीलिए अभी बोलते हैं कि सत में तो जैसा मतलब असत्य था वहाँ पे पहले प्रतिपादन किया गया था सत्य में, और यहाँ पे तो प्रतिपद प्रतिपद भाव की यहाँ पे निषेध किया जा रहा है। तीन नंबर चार नंबर ये दोनों एक्स्ट्रा है। आगे देखिए और बोलते हैं ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एक जगह पे दोनों को शब्दों के समान जागृत विमित इसको प्रतिपादन करने के लिए अद्वैत प्रकरण यहाँ पे है कि शब्दों के जरा प्रतिपादन करने जो को नहीं है, क्योंकि साठ में क्या सिक्सटी नंबर वर्ष में क्या बोला था वर्ण यत्र न वर्णन्ते शब्द प्रयोग नहीं होता, इसलिए वो समझ कि तुम यदि ऐसा बोल रहे हो तुम्हारे उपनिषद में ऐसा कहते हैं तो बोलता है इसी को हम निषेध करते हैं। उपनिषद ये नहीं कहा कि उसको शब्दों के तरह प्रतिपादन करने जो उपनिषद तो ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रतिबंध जो है उसको मैं कहता हूँ। बोलते हैं पुत्र शना विद्यशन लोकेशन यही तो प्रतिबंधक है, उत्तेषणा वित्तेषणा से तो सन्यासी कुछ हद तक ऊपर उड़ जाते हैं, कुछ हद तक इसके मतलब वित्तेषण मुश्किल है, मतलब लोकेशन और मुश्किल है। ये मतलब ये लोक प्राप्ति नहीं, लोकेशन मतलब मतलब डिजायर फॉर फेम, ये तो सबके अंदर रहता है। कोई व्यक्ति मेरे को बुरा ना बोले कौन नहीं चाहता, सभी व्यक्ति ही चाहते हैं, परंतु आत्मा जो अच्छा बुरा का विषय नहीं है ये भाव नहीं है। कोई व्यक्ति मुझे उधर तो मैं को बोल रहा हूँ परंतु शरीर को मैं आरोप करके मुझे कोई बुरा शरीर मन बुद्धि व्यवहार आरोप करके बोलता हूँ तो आत्मदृष्टि खोलेगा तब ये हार जाए तब ये रहता है। और बोल रहे देखिए वाचो गोचरी भूतस्य टीका में द्वैतस्य असत्य हेत्वांतरम आचक्षमान दृष्टांतम आचष्टे, क्या बोलते हैं वाचो गोचरी भूतस्य द्वैतस्य वाणी का विषय बनता है द्वैत प्रपंच उसका वाच वाणी का षष्ठी गोचरी भूतस्य द्वैतस्य वाणी का जो विषय भूत रूप में द्वैत प्रपंच देगा उसका असत्य उसकी वास्तविक आर्मातिक विद्यमान नहीं है। इस विषय में हेत्वांतरम आचर्ष में एक और हेतु को कह रहे हैं, उसको कहते हुए दृष्टांतम आचर्ष के दृष्टांत को कहना चाहते हैं, है ना, एक और हेतु को कहते कहने की इच्छा से दृष्टांत को पहले कहते हैं। वाचो गोचरी भूतस्य द्वैतस्य असत्य हित्वांतरम आचक्षान हित्वांतर को कहते हुए चक्षिण धातु है, ये विषाणु हुआ है, दृष्टांतम आचष्टात्मनिपति धातु है चष्टे चक्षाते चक्षते इस प्रकार मंत्र को आचक्षान दृष्टांतम आचष्ट दृष्टांत को कहते हैं। यहाँ पे छह नंबर टिप्पणी हित्वांतरम पूर्वोक्त मायामयत्व हेतु अपेक्षया, पहले क्या बोला था सारा मिथ्या की माइक है, यहाँ उससे भिन्न करके चित्त व्यतिरिक्त व्यतिरिक असत्य रूप में हेत्वांतर भी है, मतलब जिस प्रकार रज्जु के ऊपर जब हमको सर्प को दिखाई देते हैं वो सर्प कभी भी रज्जु से भिन्न नहीं है, तो जो वस्तु जिसको छोड़ करके कभी नहीं दिखा जा सकता वो वस्तु का स्वरूप उसका अधिष्ठान ही है, उसका पारमार्थिक सत्ता नहीं है। दिस एडिशनल रीजन अब कहने जा रहा भिन्नता मत, पहले क्या बोला देखो पूर्वक छोटा छोटा ना कई व्यक्ति बोलते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, एक चीज़ बार बार दोहरा नहीं रहा है, जैसे मेरे मुख नहीं है तो लिख तो ये लिख रहा है, वो बोलते हैं कि ये एक ही चीज़ को बार बार बोल रहा है। मैं बोला इतना सूक्ष्म बुद्धि अभी तक आपको नहीं आया, चाहे आप उसकी हो सकते पढ़ेगा यदा तो समझने के लिए और सूक्ष्मता चाहिए, मतलब एक चीज़ नहीं बोल रहा है छोटा छोटा डिफरेंस लेकर के बोलते हैं, छोटा छोटा डिफरेंस क्या पहले देखो इतना समझाए पूर्वोक्त मायामयत्व हेतु, पहले क्या बोला था विमत्व मिथ्या दृश्यत्व मायामयत्व ऐसा था, अब क्या बोलता है चित्त अभिन्न न दृश्यत्व चित्त ही उस रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब सर्प रज्जु से अभिन्न होकर के सर्प को दिखाई देता है इसलिए सर्प मिथ्या है ना, रज्जु से अभिन्न होकर के सर्प को दिखाई पड़ता है इसलिए वो सर्प मिथ्या है, ठीक यहाँ बोलते हैं चित्त व्यतिरेक असत्य रूप में हेतु, तो क्या बोला चित्त से अलग करके उस प्रश्न जगत कभी नहीं दिखाई देगा, चित्त से अभिन्न रूप में ही दिखाई देने के कारण जगत मित्र, चित्त से अभिन्न होकर ही दिखाई देने के कारण जगत मित्र, इसलिए बोलते हैं चित्त व्यतिरेक असत्य रूप में, क्योंकि उस वस्तु का रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प रज्जु को छोड़ करके कभी उसका सत्ता ही सिद्ध नहीं होता इसलिए वो मिथ्या है, इसलिए आगे बोलते हैं चित्त व्यतिरिक असत्य रूप हेत्वांतर भी एक दूसरा हेत्वांतर के यहाँ और कहना चाहते हैं, ठीक है। अब श्लोक में आ जाए स्वप्न दृक् प्रचरण स्वप्ने स्वप्न दृक् प्रचरण स्वप्ने दिक्षु वै दश सुस्थिताम दिक्षु वै दश सुस्थिताम
अंडजान श्वेतजान वापी अंडजान श्वेतजान वापी जीवान पश्यति जान सदा जीवान पश्यति जान सदा स्वप्न दृक् प्रचरन स्वप्ने दिक्षु वैदशुषितान् अंडजान श्वेतजान वापी जीवान पश्यति जान सदा। इधर इसका पूरा अर्थ नहीं हुआ तो चित्त का विकास हुआ, ठीक है, इसको हेल्प करेंगे। क्या बोलना है यहाँ पे, स्वप्न दृक् मतलब स्वप्न दृष्टा है ना, स्वप्न दृष्टा प्रचरण, ये भी प्रथम एक वचन है, मतलब विचरण करते चढ़ता तो घूमते हुए स्वप्न दृष्टा स्वप्न चढ़ते उसको कब, स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टा पुरुष दिक्षु दशसु प्रचरण दस दिशा में प्रचरण घूमते हुए अंडजान शेदजान जीवान तत्र स्थितान जान सदा पश्यति। जो भी वहाँ पे मतलब अंडा से उत्पन्न हुआ शेद का चार प्रकार के जरा जो अंडज शेद जी चार प्रकार के जीव होता है, जरा से निकलता है जैसे पशु पक्षी मनुष्य शरीर आदि पशु आदि वो हो गया जरा जो अंडा फूट के निकलता है चिड़िया आदि अथवा सरस्त्री आदि वो हो गया अंडज। फिर उद्भिद जो जमीन को भेद करके निकलता है उसको बोलते हैं उद्भिद। अश्वेद जन मतलब गर्मी के कारण जो निकलते हैं उनका आदि जो गर्मी से पसीना से निकलते हैं उसको बोलते हैं शेद। ये सभी प्रकार के जीव को देखते रहते हैं कौन स्वप्न काल में, इस प्रकार की हो सूक्ष्म भी अथवा स्थूल भी जाए जैसे भी हो स्वप्न दिख प्रचरण स्वप्ने प्रचरण स्वप्न दृष्ट स्वप्न में घूमते हुए कहाँ घूमते हुए दशशो दिक्षु में ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं दस दिशाएं हैं, दस दिशाएं मान हाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात ऊपर अभी इधर इधर करके पकड़ करके हाँ जो अवंतर दिशा है दस दिशा को लेकर के मतलब चार मूल दिशा और चार अवंतर दिशा और ऊपर नीचे दस दिशा मान सकते हैं। इस प्रकार दिक्षु वही दशशु स्थितान चारों दिशा में विद्यमान है, स्थितान तो इधर अन्वय होगा अंडजान शेदजान जान जीवान तत्र स्थितान अंडजान शेदजान जान जीवान सदा पश्यति हमेशा देखता रहता है। वो क्या है, तुम्हारा चित्त ही तो है, जब भी कितना भी रूप में देख लो आप कितने प्रकार की जीव हम स्वप्न में देखते हैं, कितने राजा भी देखते हैं फकीर भी देखते हैं देवता भी देखते हैं सब एक चित्त का ही विकार है। इसलिए बोलते हैं कि अंडजान शेदजान बाकी जीवान तत्र स्थितान जदा सदान सदा पश्यति जिसको हमेशा देखते रहते हैं। वास्तव में स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है, वो स्वप्न दृष्टा के चित्त ही उस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभिप्राय यहाँ पे देखिए हेत्वांतर क्या कहेंगे, स्वप्न में आप जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है जब तक आपको दैत्य रूप में दिखाई पड़ रहा है परंतु वो आपके चित्त भिन्न और कुछ नहीं है। तो जो वस्तु मतलब जिसको जिसके बिना जिसका सत्ता ही सिद्ध नहीं होता मतलब वो चित्त मात्र ही है, आप चित्त को भी तो आप देखते हैं, ठीक है ना। तो चित्त को भी जब आप देखते हो तो वो आपका दृश्य बन गया। वो चित्त कैसे दिखाई देता है, हमारे ऊपर ही दिखाई देता है, न तो चित्त का सत्ता ही सिद्ध नहीं होगा। जिस चित्त को हम देख रहे हैं उस चित्त को मैं सत्ता स्फूर्ति प्रदान करूँगा नहीं, मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए वो चित्त भी जो है अपना दृश्य नहीं कर वो भी जो ऐसे मिथ्या वस्तु मतलब चित्त को आत्मा को छोड़कर के जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु वो कभी भी चित्त को छोड़ करके नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वस्तु मिथ्या है। इसी प्रकार चित्त भी आत्मा को छोड़ करके कभी नहीं देख सकते, चित्त भी मिथ्या है। ऐसे सेम लॉजिक आपका इसमें भी लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्वप्न स्वप्न दिख प्रचरण स्वप्न दिक्षु वही दशु स्थित उसको देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं ज्ञान पश्यति ते न विद्यन्ते पृथक इति उत्तरत्र संबंध। ये देखिए आपको इस पे देखिए ये जो 66 नंबर वर्ष में देखिए ते तत् पृथक न विद्यन्ते स्ते तथा पृथक न विद्यन्ते 66 में आप चतुर्थ द्वितीय द्वितीय पाद को देखिए जाग्रत जाग्रत चित्त इक्षणीयास्ते न विद्यन्ते तथा पृथक, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया ते चित्त भिन्न रूप में पृथक रूप में कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तथा पृथक न दृश्य विद्यन्ते व दृश्यन्ते इसका यहाँ पे अन्वय होगा, इसके साथ मिलकर श्लोक का अर्थ समझ में आएगा, ठीक है। ये 66 ने तो आप तुमने कहाँ से बोल दिया 66 में जो द्वितीय पाद है ते तत पृथक न विद्यन्ते चित्त दृश्य चित्त चित्त पृथक न विद्यन्ते चित्त पृथक न विद्यन्ते, ठीक है ना। ये तो हमें अभिप्राय से हमें बोलते हैं
जान पश्यति, जिन जिन वस्तु जान पश्यति, यहाँ पे 63 में है, जान पश्यति ते न विद्यन्ते पृथक, 66 में है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके अन्य होगा, मतलब पूरा अर्थ इसमें उसके साथ मिलकर के तब पूरा अर्थ समझ में आएगा, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जान पश्यति ते न विद्यन्ते पृथक इति उत्तरत्र संबंध, उत्तरत्र मतलब 66 नंबर वर्ष के साथ इसका अन्वय है, इसका अन्वय है। श्लोक से तात्पर्य, श्लोक की तात्पर्य जब कहना चाहते हैं भगवान भाष्य, इतस्य वाग गोचरस्य अभाव द्वैतस्य, बोलते हैं इतस्य इस कारण से भी वाग गोचरस्य द्वैतस्य अभाव, नहीं तो बीच में कुछ कराएगा ना, उल्टा अर्थ भी कर देगा, कैसे बोलेगा, वाग गोचरस्य अभाव द्वैतस्य, ये नहीं है, इतस्य वाग गोचरस्य द्वैतस्य अभाव, इस कारण से भी वाणी का विषय जो द्वैत प्रपंच है उसका अभाव है, वह है नहीं पारमार्थी, और वन मोर रीजनिंग, इतस्य मतलब ड्यू टू वन मोर रीजनिंग, अब चित्त क्या रीजनिंग है, वो चित्त से भिन्न होकर जो कभी नहीं दिखता, चित्त से भिन्न होकर कभी नहीं दिखता, ये रीजनिंग है वहाँ पे, इतस्य वाग गोचरस्य अभाव द्वैतस्य, वाणी का विषय जो द्वैत प्रपंच है, जो अद्वैत है वो वाणी का विषय नहीं है, इसलिए वाणी का विषय द्वैत प्रपंच है, वो पारमार्थी नहीं है। आगे और बोलते हैं, देखिए कि इतशब्दार्थम, टीका में इतशब्दार्थम एव स्फुटयन अक्षराणि व्याचष्टे, इत माने कि इस कारण से, इस कारण से इत शब्द का अर्थ भाई व्याख्या करते हुए श्लोक के अर्थ को बोलते हैं, इत शब्दार्थम एव, यानी भाष्यकार आपने इत शब्द अपने आप प्रयोग किया, मतलब इस कारण से, इसके क्या कारण है वो, उसका अपने आप ध्यान, इत शब्दार्थ में बस स्फुट है, उस शब्द के अर्थ को, इत शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए श्लोक में आए हुए पदों को व्याख्या करते हैं, अक्षराणि व्याकृष्ट, श्लोक में आए हुए अक्षर को व्याख्या करते हैं, स्वप्नान, स्वप्नान पश्यति इति, स्वप्नों स्वाप्निक वस्तु को देखते हैं, स्वप्नदृक् स्वप्न दृष्ट पुरुष, प्रचरण मतलब पर्यटन इधर उधर घूमते हुए, स्वप्न किस अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में रहकर स्वप्न स्थान इधर उधर घूमते हुए भिन्न भिन्न वस्तु को देखते हैं, दिक्षु वही दशाशु स्थितान, किन वस्तु को देखते हैं, दशो दिशाओं में जो भी जितने सारे वस्तु है सभी दिखते हैं, कभी ब्रह्मलोक का दिखता है, कभी पाताल का दिखता है, कभी कहाँ कहाँ का दिखता है, किसी भी दिशा में कहीं नहीं, फिर दिक्षु वही दशाशु स्थितान, स्थितान मतलब वर्तमान विद्यमान जीवान, जीवों को देखते हैं, मतलब प्राणी न है ना, जीवन मूल में आया है, देखिए अंडजान शेदजान बापी जीवान, जीवन मतलब प्राणी, प्राणियों को अंडजान शेदजान बाजान सदा पश्यति, चाहे वो अंडा फोड़ के पैदा हुआ, चाहे पसीना से हुआ, चाहे उद्भित हुआ, चाहे जरा जो कुछ भी दिखा हो, बाघ के द्वारा सब अन्न अन्न जो भी हो सकता है वो सब ग्रहण हो जाएगा, उसी को ही वो देखते हैं, उसी को, चाहे आपको लगे कि उसके पीछे कारण क्या है, इस शरीर के पीछे कारण है इसके पिता माता, उस शरीर के पीछे कारण है उस पेड़ के पीछे उसका पिता माता, वो चाहे किसी प्रकार से वहाँ पे कार्यकरण भाव समझ ले, उनके कारण क्या है, चित्त स्पंदन ही है। सपने में आपको जो भी कोई वस्तु दिखाई देगा, मन ही मन हम इसके साथ कितना भी कारण की जोड़ ले, परंतु सच्चाई क्या है, वहाँ पे एक चित्त ही वहाँ पे है, चित्त ही अनेक रूप में दिखाई देगा, है ना, इसीलिए आप बोलते हैं ये अलग अलग शब्द प्रयोग करने का अभिप्राय क्या है, अंडज का हेतु अंड से होता है, छेद से छेद होता है, अलग अलग हेतु दिखाई पड़ने पर ऊपर से, परंतु मूल हेतु एक ही है, क्या चित्त स्पंदन, सभी पैसे बोल रहे हैं आप, इसलिए दिक्षु वै दशसु स्थितान वर्तमान जीवान प्राणीन, प्राणी कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए, प्राणीनो प्राणी कैसे है, अंडजान छेदजान बा मतलब अंडजान हो शीतजान हो जलायुजान हो अथवा बुद्धिजान हो जो भी कुछ हो सभी जो है जान सदा पश्यति जिन सभी को देखता है वहाँ के स्वप्न काल में वो वास्तविक वहाँ पे नहीं यहाँ पे जाके अन्याय होगा मतलब तत्व पृथक न विद्य चित्त से भिन्न होकर तो दिखाई नहीं पड़ता तो जगत मिथ्यात्व के पीछे एक हेतु और भी है क्या हेतु है कि जो है वो अधिष्ठान को से भिन्न करके वो कभी नहीं दिखाई पड़ता क्यों अधिष्ठान क्यों किसी भी वस्तु की सत्ता स्फूर्ति जैसे आप बोलते हैं घट है घट नाम रूप जो है मृतिका की है मतलब मुझे है जो आया हुआ है वो सच्चिदानंद पट है यानी कि सच्चिदानंद से अलग करके कोई वस्तु का देख नहीं सकता तो फल तो क्या हुआ उस वस्तु पारमार्थिक नहीं है
सच्चिदानंद ही है। इस प्रकार रज्जु से अलग करके आप भूचित्र माला दंड जलधर सबको कुछ भी बोलो तो रज्जु से अलग रज्जु पे नहीं या कुछ भी नहीं दिखेगा, रज्जु से भिन्न कर कभी नहीं देख सकते, इसलिए कि वो वस्तु पारमार्थिक नहीं है प्रकृति मात्र। ये मिथ्या तक हेतु हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे टीकाकर बोले इत शब्दार्थ स्फोरे अक्षराणी व्यचस्ते स्वप्नान पश्यति इति स्वप्न दिक् प्रचरण पर्यटन स्वप्ने स्वप्न स्थाने दिक्षु वैदस्यु सुतान वर्तमान जीवान प्राणीन अंडजन छेदजन वा जान सदा पश्यति। अंडजन छेदजन मतलब क्या है, अपरेंट हेतु अलग है वहाँ पर दिखते हैं, ये पक्षी यह है अंड से उत्पन्न नहीं पर यह है वो अलग अलग, इसका अलग अलग हेतु, परंतु मूल हेतु क्या है, चित्त ही है बस, इसी इसलिए वो मिथ्या है यहाँ पर। अब यहाँ पे आगे टीका में एक लाइन बोलते हैं न विद्यंत इति पूर्ववत अन्वय, वो जो यहाँ पे इत शब्द अर्थ करते अंडजन शेदजन बाकी जीवन पश्यति ते अभी न विद जान पश्यति ते न विद्यंत बोला ना पहले में स्वप्न, इसी प्रकार से जो जीव शिव जीव को दिखते हैं वो कुछ भी यहाँ पे नहीं रहता न विद्यंत इति पूर्ववत, पहले की तरह यहाँ पे अन्वय करना पड़ेगा, यहाँ पे अन्वय करना ठीक है। ये 63 हो गया, फिर 64 के लिए फिर बोलते हैं दे रहे हैं स्वप्न दृश्य विषय भूतानां भेदानां तत्र दृश्यमानत्वे अपि द्वैत भेद मिथ्यात्वे किम आयात इति, ठीक है ना, पृच्छति इसको पूछते हैं बोलते हैं स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा का विषय भूतानां भेदानां, स्वप्न दृष्टा के विषय भूत हो करके जो विशेषता दिखाई पड़ता है भिन्नता दिखाई पड़ता है भेदानां तत्र दृश्यमानत्वे मतलब स्वप्न अवस्था में दिखाई देने पर भी द्वैत भेद मिथ्या तेज द्वैत भेद जो मिथ्या है इसमें क्या लाभ मिला आपको, दृष्टांत तो हमने समझा दिया, ये जो व्यवहार में हमको द्वैत भेद दिखाई दे रहा है उसमें क्या लाभ अथवा नुकसान हुआ, द्वैत भेद मिथ्या ते की माया तो हम तो ये सिद्ध करना चाहते हैं जागृत प्रपंच मिथ्या है, इसमें इस दृष्टांत तो सब सपनों से दृष्टांत जागृत में क्या आया क्या लाभ नुकसान हुआ कैसे समझे आप, ये प्रश्न उठाएगा किम आयात्मिति पृच्छति उसको मन में रखते पूछ रहे ठीक है। स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा का विषय भूतानां भेदानां विषय रूप में दिखाई दे रहा जितना भिन्न भिन्न वस्तु उनका तत्र मतलब स्वप्न अवस्था में दृश्यमानत्व भी दिखाई देने पर मिलते दृश्यमानत्व धर्म बैठा है वहाँ पे दृश्य में दृश्यमानत्व धर्म बैठा होगा दिखाई देने वाला धर्म वहाँ पे रहने पर भी क्या हो गया द्वैत भेद ये तो होगी दृष्टांत भक्त तो समझ में आ गया दृष्टांत में क्या घटाएंगे हम जो द्वैत भेद मिथ्यात्व किम आयतमे बाहरी द्वैत प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या ये जो प्रतिज्ञा किया उसमें क्या लाभ अथवा नुकसान हुआ इति पृच्छति इसी को मन में रखते हुए पूछते हैं यदि एवं ततः किम ठीक है। स्वप्न में हमको समझ में आ गया कि स्वप्न में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो चित्त का विकार है उससे हमारा दृष्टांत में क्या लाभ अथवा नुकसान हुआ कि तो उच्चते सुनो क्या लाभ हुआ नुकसान बोलते हैं उत्तर श्लोके न उत्तर अह देखिए दो उत्तर शब्द अगला श्लोक के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उत्तर शब्द एक ही है पहला उत्तर शब्द का अर्थ होगा अगला श्लोक और दूसरा उत्तर शब्द का अर्थ होगा आंसर ठीक है ना तो उत्तर श्लोक है ना उत्तरम अह अगला श्लोक के द्वारा इस शंका के उत्तर दे रहे हैं श्लोक देखिए स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदम् तथा तद्दृश्यमेवेदम् स्वप्न दृक् चित्तमिष्यते स्वप्न दृक् चित्तमिष्यते स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदम् स्वप्न दृक् चित्तमिष्यते दोनों को एक साथ मिला स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते कौन जो भी स्वप्न में वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं वो स्वप्न दृष्टा का चित्त को सब प्रोजेक्ट करते हैं स्वप्न दृक् चित्त दृष्टा स्वप्न दृष्टा पुरुष के चित्त ही उसको देखता रहता है न विद्यन्ते ततः पृथक् उसके चित्त से भिन्न करके उस वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है स्वप्न में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है उस स्वप्न वस्तु का चित्त से भिन्न करके उसका कोई सत्ता ही नहीं है ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत भाग हो गया तथा तद्दृश्यम एवेदम स्वप्न दिक् चित्त मिश्यते उस दृष्टा का उस चित्त स्वप्न दिक् चित्तम स्वप्न दिक् दृष्टा का जो चित्त है वो तद्दृश्यम वो दृष्टा का दृश्य है दृष्टा मतलब दृश्य से भिन्न करके उसको नहीं देखा जा सकता इसलिए वो चित्त विभिन्नता है
अब जब चित्त मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, जागृत में जो भी कुछ दोष देखा होगा चित्त सिद्ध होता है। तथा तदृश्यमेवेदम स्वप्न दिख चित्त मिश्यते, इसलिए वो उसका अथवा तदृश्यम वो चित्त ही दृश्य है, किन यहाँ पे तदृश्य मतलब उस दृष्टा का दृश्य, ये मानना ठीक चित्त को भी हम बोल रहे हैं। स्वप्न दिख चित्त मिश्यते, स्वप्न दृष्टा का चित्त, स्वप्न दृष्टा का चित्त स्वप्न दृष्टा के द्वारा देखा जाता है। इसीलिए विमदम मिथ्या दृश्यत्वात्, दृश्यत्व में धर्म जो चित्त में बैठा हुआ है तो चित्त भी मिथ्या होगा, इसीलिए चित्त के ज्ञान प्रपंच दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रश्न किया था, ठीक है जो आपने बोला स्वाप्निक वस्तु मिथ्या है क्योंकि वो चित्त से भिन्न करके नहीं दिखाई पा रहा है। अब वो चित्त, चित्त जो है वो भी तो स्वप्न दृष्टा से अलग करके नहीं दिखाई देख सकते, उसको तो भी मिथ्या होगा, चित्त स्वयं मिथ्या। अंतकरण मिथ्या सिद्ध हो जाए तो सूक्ष्म शरीर भेद हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर भेद होने से कुछ अलग समझ लेंगे तब फिर जन्म मृत्यु बचना ही नाश हो जाएगा। उस प्रकार खारे के अंदर पानी था, सूक्ष्म शरीर में हमारा चित्त मन अंध है, मन और उसमें अंतकरण एक तरफ चित्त में है वासनात्मक संस्कार इधर अहंकार। अब क्या हो जाएगा, घड़ा टूट गया, घड़ा टूट गया तो क्या हो जाएगा, वासना भी जाएगा अहंकार भी जाएगा। अब पूर्ण तथा तदृश्य वे वेदम स्वप्न दिख चित्त मिश्यत स्वप्न दृष्ट के चित्त भी ऐसा ही समझना चाहिए। देखिए टीका करके बोलते हैं, श्लोक अक्षराणी योजयन कर्मधारयन व्यवर्तयति, वो जो स्वप्न दृक् है ना, वहाँ पे जो कर्मधारा समझ नहीं है, कर्म दृश्य चित्तम कर्म स्वप्न दृष्टा का चित्त, स्वप्न दृक् चित्त ठीक है ना, शब्द क्या है स्वप्न दृक् चित्त, जो स्वप्न दृक् है वही चित्त। अभी क्या बोला, स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है वो चित्त ही रूप है, मानते कर्मधारा समझ नहीं है, स्वप्न दृष्टा का चित्त षष्ठी तत्व समझ। ये हम कहना चाहते हैं कि श्लोक अक्षराणी योजयन, श्लोक के अक्षर को अर्थ करते हुए कर्मधारायण व्यवर्तयति, श्लोक में जो पहला पद है स्वप्न दृक् चित्त, इसमें कर्मधारा समझ नहीं है षष्ठी समझ है, उसको भगवान हर्षवर्ष कर्मधारा समझ में निषेध करते हैं, कर्मधारा समझ के निषेध करते हैं। श्लोक अक्षराणी योजयन कर्मधारायण व्यवर्तयति, कर्मधारा समझ को अपने निषेध करते हैं। आप देखिए कहाँ पे बोलते हैं, स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्न दृक् चित्तम, स्वप्न दृश्य एक पद है दृश्य, धातु का दृश्य प्रत्यय करेंगे तो दृश्य बन जाएगा प्रतिपदी, दृक् दृश्यो दृश्य ऐसा करके बनता है, तो उसका षष्ठी एक बचन बनेगा दृश्य, तो स्वप्न को पद में है तो स्वप्न दृश्य वो भी स्वप्न सदृष्टा स्वप्न दृश्य, और स्वप्न दृश्य का उसका जो चित्त है ना, स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है वो क्या स्वप्न दृक् चित्तम ठीक है ना, स्वप्न दृक् चित्तम ऊपर पहला पद क्या श्लोक में स्वप्न दृक् चित्तम ठीक है ना, तो उसका अर्थ करता है जो स्वप्न दृक् है वही चित्त, ये बात नहीं है स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है, स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्न दृक् चित्तम, वहाँ पे जो है माथा जोड़ देना अच्छा है। स्वप्न में कोई आपका है मतलब कोई विसर्ग अथवा बिंदी कुछ है नहीं है, मतलब क्या है वहाँ पे विभक्ति नहीं लगेगा, यानी कि उसका समस्त पद को दिखना चाहते हैं, ये ऊपर माता नहीं है स्वप्न ऊपर मूल में जो पद है स्वप्न दृक् चित्त एक ही पद है, स्वप्न दृक् चित्त मतलब स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्न दृष्टा का जो चित्त उसको बोलते हैं स्वप्न दृक् चित्त मतलब षष्ठी तत्व समझ जाते हैं। तेन दृश्य उस स्वप्न दृष्ट चित्त के द्वारा है ना देखा गया था चित्त दृश्य ते जीवा, वो किसको देखा, वो जितना जीव को देखता है जीव पान धारण मतलब वो अंडजान छेदजान जीवजान जो भी कुछ है वो सबको बोलता है जीवा। तत तस्मा तत स्वप्न दिखते तत मूल में है तत न विद्यन्ते तत, ये तत मूल का पद है उसका अर्थ करते हैं, तस्मा स्वप्न दिख चित्त पृथक न विद्यन्ते न संति इति अर्थ ठीक है, मूल में जो तत पद है उस तत पद का अर्थ करते हैं तस्मात पंचमी तस्मात किस पद में कौन सा स्वप्न दृक् चित्त स्वप्न दृष्ट के चित्त से भिन्न करके स्वप्न में दिखाई दे रहा जो भी कुछ वस्तु उसका अलग की सत्ता सिद्ध ही नहीं होता ठीक है ना, इसलिए हमें बोलते हैं तेन दृश्य उस स्वप्न दृष्ट चित्त के द्वारा दृश्य जो दिखाया गया दृश्य ते हो गया यहाँ पे जीव अंडजान छेदजान जलजान जो भी कुछ बोलेगा तथ तथ मतलब तस्मात स्वप्न दृक् चित्त ये मूल में तत्व शब्द अर्थ कर दिया स्वप्न दृष्ट के चित्त से भिन्न करके पृथक न विद्यत अलग करके उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता मतलब न संति है ना, ये अस्थाव्य भी भू सत्तायाम अस्थाव्य भी टूबी वही अर्थ मतलब उसका सत्ता ही सिद्ध नहीं होता इति अर्थ। अच्छा तो आगे और बोलते हैं देखिए कि जीवादि भेदानाम
टीका में जीवादि भेदानां स्वप्ने दृश्यमानानां उक्तानां चित्तक पृथक असत्तम साधयति। क्या हो गया? जीवादि भेदानां, जीव आदि भेद मतलब अपने क्या दिखाई पड़ते हैं आपको स्वप्न में हो अथवा बाहर जागृत काल में दिखाई क्या पड़ता है, जड़ दिखाई पड़ता है कि चेतन दिखाई पड़ता है? जड़ दिखाई पड़ता है, चेतन का दिखाई नहीं देगा आपको, शरीर ही दिखाई देगा, है ना। हाँ, वो चेतन अधिष्ठित होकर के दिखाई पड़ते हैं, इसलिए चेतन जैसा लगता है मतलब दिखाई तो जड़ ही पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जीवादि भेदानाम, जीव आदि से जो भी भिन्न वस्तु दिखाई पड़ता है, स्वप्ने दृश्यमानानाम जो स्वप्न अवस्था में दिखाई पड़ता है, उक्तानाम जो पहले कहते हैं चित्तात पृथक असत्यम साधे, वो चित्त से भिन्न करके उसका सत्ता ही नहीं है उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। चित्तम एव ही अनेक जीवादि भेद आकारेण विकल्पते, मतलब चित्त से भिन्न करके उसका सत्ता ही नहीं, चित्त ही अनेक भेद आकार से विकल्पते, जहाँ जहाँ पे ऐसा शब्द विकल्पते मतलब शब्द ज्ञान अनुमति वस्तु शून्य विकल्प, आप दिखाई दे रहे आपको वस्तु दिखाई दे रहा है, आपको शब्द भी प्रयोग करें परंतु कोई वस्तु है नहीं, चित्त ही केवल अकला है और कुछ नहीं है। इसलिए चित्तम एव ही अनेक जीवादि भेद आकारेण, चित्त ही अनेक प्रकार की जीव की आकार प्राप्त कर लिया, है ना। वास्तव चित्त का अपना भी आकार नहीं है, माने परंतु जिस वस्तु के साथ मिल करके देखते हैं उस आकार को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जीवादि भेद आकारेण विकल्पते, मतलब क्या होता है विकल्पते मतलब प्रतीयते, उसकी प्रतीति होती है, वास्तविक वस्तु नहीं है वहाँ पर, प्रतीति मात्र होती है। जीवादि भेदानाम स्वप्न दृश्यमानानाम उक्तानाम चित्त पृथक असत्यम साधयति, क्यों चित्त से भिन्न कर तो है ही नहीं। अच्छा, तरी दृष्टा चित्तम चैति द्वयम स्वप्न स्वीकृतम, तो आपने दो वस्तु को मान लिया, क्या मान लिया, एक दृष्टा और एक चित्त, ये दो मानना मान। तरी यदि ऐसा ही तुम्हारी मान्यता है, वो जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो चित्त से भिन्न करके नहीं है, और वो चित्त को देखने वाला जो चित्त जो दिख रहा वो दृष्टा अलग है, तब इससे कम से कम दो तो तुमको मानना पड़ेगा, एक दृष्टा और एक चित्त। परंतु आप क्या उत्तर देंगे, वो जो चित्त दिखाई दे रहा है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है, इसलिए दृष्टा ही अकेला है, दृष्टा ही अकेला है, ये हमारा उत्तर है प्रश्न। ये आनंद के लिए छोटा छोटा प्रश्न उठाते हैं ना, मन हमारे मन में जो शंका उठते हैं उसको सामने खड़ा करके उसको निराकरण करने के लिए। तरी दृष्टा चित्तम च इति द्वयम स्वप्ने स्वीकृतम, तब तो आपने स्वप्न में दो की मान्यता दे दी, एक हो गया दृष्टा और एक हो गया आपके चित्त। इति तब उत्तर के न इति नहीं नहीं ये हमारी मान्यता नहीं है। क्या बोलते हैं वहाँ पे, तथा तद अपि, तथा मतलब उसी प्रकार से, तद अपि उसका अर्थ तदपि देखिए मूल में आए हुए हैं, तथा दृश्यम एव दे स्वप्न दृक् चित्तम इदम तद दृश्यम एव, ठीक उसी प्रकार से वो चित्त जो है ना वो स्वप्न दृक् चित्तम, स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है, एक हो गया स्वप्न दृश्य चित्तम, हो गया उस हम षष्ठी समाज किए थे है ना, स्वप्न दृक् चित्तम उसके द्वारा देखा हुआ वस्तु, अब स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है ना वो भी स्वप्न दृश्य से भिन्न होकर के नहीं दिखाई देगा, अभी नहीं देख सकते आप चित्त को स्वप्न दृष्टा भिन्न करके, बोले तो क्या हो जाएगा, वो दृष्टा ही एकमात्र है। तथा तदपि मतलब स्वप्न दृक् चित्तम इदम तद दृश्य, जितना भी दिखाई दे रहा स्वप्न चित्त में वो चित्त करे वो चित्त भी आपके सामने दृश्य बन गया, चित्त भी चित्त जिसको दिखा रहा था वो दृश्य था, अब चित्त भी आपका दृश्य है, जब आप समझते हैं इसको, इसलिए तेन स्वप्न दृशा दृश्यम तद दृश्यम, वो जो आप तद दृश्यम एव इदम तथा तद दृश्यम एव इदम, तथा उस दृष्ट का तेन स्वप्न दृशा दृश्यम, उस स्वप्न दृष्ट का दृश्य है ये, कौन है चित्त, स्वप्न दृष्टा का दृश्य हो गया चित्त, इसलिए तद दृश्यम तथा तद दृश्यम एवेदम, इसीलिए उस स्वप्न दृष्ट का दृश्य इदम मतलब इदम चित्तम, तब बताए स्वप्न दिख चित्त, स्वप्न दिख चित्तम उसको बोल रहे इदम शब्द इदम मतलब इदम स्वप्न दिख चित्तम इश्यते, स्वप्न दृष्ट का चित्त है वो भी ऐसा ही है। परंतु क्या हो गया, जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है वो चित्त से भिन्न करके आप नहीं देख सकते, यानी कि तब बोले तब तो तुम दो मान लिया, एक चित्त और एक दृष्टा, बोला उस चित्त को तुम दृष्टा से भिन्न करके नहीं देख सकते, इसलिए दृष्टा ही एकमात्र सत्य है, दृष्टा एकमात्र सत्य है, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं। तेन स्वप्न दृशा उस स्वप्न दृष्टा के द्वारा दृश्यम दिखाई देते हैं, तद दृश्यम ही हो गया, तो स्वप्न दिख दृश्यम
ये हो गया तद्दृश्यम एव इदम स्वप्न दिक चित्तम इष्यते स्वप्न दृष्ट का चित्त भी स्वप्न दृष्ट का दृश्य है, इसीलिए वो भी चित्त स्वप्न मतलब दृष्टा से भिन्न नहीं है, यानी कि उसमें भी मिथ्यात्व बैठा हुआ है। टीका में तरी दृष्टा चित्तम च इति द्वयम् स्वप्ने स्वीकृतम् न इति तथा तत्शब्दस्य चित्त विषयत्वं व्यावर्तयति तद्दृश्यम, तत्शब्द वहाँ पर तद्दृश्यम एव इदम, वो तत्शब्द चित्त दृश्य नहीं है, चित्त को बोलना चाहते हैं, तत्शब्दस्य चित्त विषयत्वं व्यावर्तयति, चित्त का विषय नहीं बोलना चाहते, चित्त को ही बोलना चाहते हैं, इसीलिए तेन स्वप्न दृशा दृश्यम तद्दृश्य, वो चित्त किसके द्वारा देखा जाता है, स्वप्न दृष्टा के द्वारा चित्त को देखा जाता है, ठीक है ना, तद तद दृश्य मतलब स्वप्न दृश्य 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 स्वप्न दृष्टि का दृश्य है, कौन है वो चित्त, इसलिए होता है चित्त भी सत्य वस्तु नहीं है, क्योंकि पहले जो है तत्शब्द से चित्त विषयत्म व्यवर्तन, चित्त और चित्त के विषय के व्यवर्तन करते हैं, तत्शब्द मतलब स्वप्न दृष्ट का विषय है चित्त, तेन स्वप्नावस्था चित्त स्वप्नदृक विषयत्व, देखिए अपने आप स्पष्ट है, स्वप्नावस्था में विद्यमान जो चित्त है, स्वप्नावस्था चित्त स्वप्नावस्था में विद्यमान चित्त चित्त का स्वप्नदृक विषय से वो स्वप्न दृष्टक विषय बन जाता है, वो स्वप्न दृष्टक विषय बनता है, फल तो क्या हो जाएगा, फलितम अतः स्वप्नदृक व्यतिरिक न चित्तम नाम वस्तु नास्ति, स्वप्न दृष्ट को छोड़ करके चित्त नाम कोई वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु दृष्ट को छोड़ करके नहीं देखा जा सकता है उस वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप वो अधिष्ठान वही होता है, जिसमें परिणाम बाद में आसानी से समझ में आता है, इस प्रकार कभी भी आप किसी पट को तंतु के बिना नहीं देख सकते हैं, किसी भी पट को तंतु के बिना नहीं देखा जा सकता, यदि दोनों भिन्न होता है ठीक है तुम्हारा तंतु निकालना हमारा पट अलग कर दो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इस प्रकार मृतिका को छोड़कर कभी घरा नहीं दिखाई सकते, मतलब मृतिका से घरा निकाल लेंगे तो मृतिका नाम घरा नामक कोई वस्तु नहीं रहेगा, घरा से मृतिका निकाल देंगे, तो इसी प्रकार से मतलब कोई भी कार्य अपने कारण को छोड़ के नहीं रह सकता, ये कार्यकरण बात चाहे विवर्तवाद हो चाहे परिणाम बात हो, दोनों में सिद्धांत यहाँ पे एक ही है, चाहे विवर्तवाद हो चाहे परिणाम बात हो, विवर्तवाद में भी यहाँ पे भी जो है जो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, जब तक वहाँ पे कार्यकारण होता नहीं है परिणाम नहीं है, परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प कभी भी रज्जु को छोड़ कर नहीं दिखाई सकते, इसी प्रकार जो चित्त दिखाई दे रहा है वो चित्त अधिष्ठान दृष्ट के बिना कभी नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए चित्त भी पारमार्थिक सत्व वस्तु नहीं है, जैसे चित्त दृश्य चित्त के बिना नहीं दिखाई देता इसलिए चित्त दृश्य मिथ्य है, इस प्रकार चित्त भी चित्त दृष्ट के लिए दृश्य है, इस अभिप्राय से श्लोक तरी दृष्टा चित्तम च इति द्वयम् स्वप्ने स्वीकृतम टीका बोलते होते न इति तथा तथा तदपि स्वप्न दिख चित्तम इदम तदृश्य मिश्र, वो भी स्वप्न दृष्ट के जो चित्त है वो भी स्वप्न दृष्ट के दृश्य बन जाता है, तत्शब्द से कौन सा तत्शब्द से तथा तदृश्य में भी, वहाँ पर जो मूल में जो तत्शब्द आया हुआ है वो तत्शब्द चित्त को नहीं बोल रहा है, चित्त चित्त को विषय का चित्त के दृश्य को नहीं बोल रहा है, चित्त को बोल रहा है, इसलिए बोलता है तत्शब्द चित्त विषयत्म मतलब चित्त का विषय, चित्त विषय मतलब चित्त का जो विषय पहले बोले थे उसको निषेध करके चित्त को बोलना चाहते हैं, अभी ये बोलते हैं व्यवर्त अभी से तेन तेन स्वप्न दृश्य दृश्यम तदृश्यम, उसको समझे स्वप्नावस्था चित्त स्वप्नावस्था चित्त से स्वप्न दृश्य विषयत्व फलितम, जब ऐसा है तब उसका रिजल्ट क्या निकला उसको कहते हैं अतः स्वप्न दृग व्यतिरिक न चित्तम नाम नास्ति, तीसरा वाला होगा थर्ड वाला होगा ना, यत् प्रज्ञालोकाभासा प्रतियति अगमत् स्वान्तस्तु मोहान्धकारो मज्जोन्मज्ज च घोरे अशक्य उपजन्म तन्वति त्राशनेमि, यत्पादावस्थितानां स्तुतिसमविनय प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावैर्न नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति।
मूर्ति भेदा विभागिनी व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम।